देखते हैं, देखिए जेई मेन शिफ्ट 2 का पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन है और एपेक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिटवीन माइनस 1 एंड 1, एक्स प्लस मॉड एक्स बिटवीन 1 एंड 2, मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिटवीन 2 एंड 3। आपको देखना है कितने पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यू होगा, होगा कि भी नहीं। मैंने आपको इसके तरीके बताया, याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर माइनस 1 से 0 में, याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, हमेशा माइनस 1 होगा, 0 से 1 में 0 होगा, ये सब आपको कंसेप्ट बताएं, 1 से 2 में 1 होगा लाइक दिस, 2 से 3 में 2 होगा। मॉड का नेचर आपको पता है अकॉर्डिंग टू नेचर, तो माइनस 1 से प्लस 1 में ये हो जाएगा माइनस 1 और ये मिलेगा माइनस एक्स, कब माइनस 1 टू 0 में, ये एक ही बार में लेना है। अब 0 से अगर मैं 1 पे जाऊं तो ये मिलेगा 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो केवल x, ये पहला कंसेप्ट हुआ। फिर इसमें आ जाओ 1 से 2 में, 1 से 2 में इसका नेचर x होगा और इसका भी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली 2x लिख सकते हैं। अब 2 से 3 में जाएं तो 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा और ये पॉजिटिव ही मिलेगा तो 2 प्लस एक्स। ये हमने पूरा फंक्शन ओपन कर लिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखनी है। अब देखिए अगर मैं ध्यान दूं तो 0 पर ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, यानी 0 पे तो डिसकंटिन्यू है क्योंकि एक पे माइनस 0 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स लिखेंगे तो वैसे भी ये माइनस 1 है, 0 पे भी नहीं है। अब 1 पे देखें तो ये एक्स है और ये 2x है तो 1 पे भी डिसकंटिन्यू है, पर जब मैं 2 पर देखूंगा तो 2 पर देखिए क्या होगा, आप ऐसे ही लिखेंगे ना 2 प्लस एच, पहले 2 माइनस एच और यहां पर क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस एच, तो इसमें भी 4 मिलेगा इसमें भी 4, तो 2 पर कंटिन्यू है, तो केवल ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर डिसकंटिन्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यू है, एक 0 पर और एक देख के पता चल रहा है ये प्लस माइनस है, ये एक्स है और ये 2x है, तो 0 और 1 पर डिसकंटिन्यू है, बाकी ये 2 के बाद फिर कंटिन्यू है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लैम्डा इज अ एरिया सच दैट एस लैम्डा अपॉन एस फोर इक्वल टू 2y, इस तरह का क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का इनइक्वालिटी बेस्ड पेपर 1 में भी था, थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब देखिए ये जब भी बोला जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू मान के करते हैं, लेस देन है तो अंदर का एरिया होगा, ये हो गया, वहां पर दो इक्वेशन दी थी, यहां पर इक्वल हो गया x इक्वल टू एक तरह से लैम्डा की लाइन, ये हो गई राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा 0 है। बस सिंपली आपको करना ये कि टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो आप बोलेंगे s s लैम्डा के लिए ही कर रहे हैं हम, लैम्डा की जगह बाद में 4 रख देंगे, तो s लैम्डा इक्वल टू बोलिए ऐसा लिख सकते हैं आप 0 टू लैम्डा 2 टाइम्स ले लीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा 2 रूट एक्स, क्योंकि डीएक्स की स्टेप है जो समझाया था मैंने, स्टेप किसकी है डीएक्स की है, तो 2 टू 4 हो गया इंटू एक्स की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 0 टू लैम्डा, यानी एक तरह से 8 बाय 3 लैम्डा की पावर 3 बाय 2, याद हो ये लेटर स्टैंडर्ड बनाया हुआ था 8 बाय 3 ए पावर। अब ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए, ये एस लैम्डा तो यही रहेगा, अब S4 क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप 8 बाय 3 4 की पावर 3 बाय 2 लिख देंगे राइट। अब इनका रेशियो 2 बाय 5 दिया तो ये तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये भी स्टेप बचानी, तो लैम्डा की पावर 3 बाय 2 अपॉन 4 की पावर, यानी ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का क्यूब हो गया, तो 8 इक्वल टू 2 बाय 5, यानी लैम्डा पावर 3 बाय 2 इक्वल टू 16 बाय 5, देन लैम्डा इक्वल टू 16 बाय 5 की पावर 2 बाय 3, 16 बाय 5 की पावर 2 बाय 3। अब ये देखिए इस बिल्कुल उसी ढंग से बना लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एक काम करिएगा, आपके पास ऐसा आया है, एक तरह से इसको ऐसा सोचिए 16 अपॉन 5 का स्क्वायर होल पावर 1 बाय 3 राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, या चाहो तो इसे 4 इंटू 4 अपॉन 25 होल पावर 1 बाय 3 राइट, तो अपॉन 25 तो आने ही है वो लिखा हुआ है। अब ये एक तरह से है 2 की पावर 8, ये है 2 की पावर 8, तो आप इसे ऐसा लिख लें 2 की पावर 6 2 की पावर 2 अपॉन 25 की पावर 1 बाय 3, तो इसके साथ बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर आ गया और 4 बाय 25 की पावर 1 बाय 3 अंदर आ जाएगा। देखिए कोई है आंसर 4 इंटू 4 बाय 25 की पावर 1 बाय 3,
दिस इज द राइट आंसर. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया था ये लेटर सेक्टम जैसी एक पर्टिकुलर लाइन थी जो हमने बनाया था इसका स्टैंडर्ड. आपने 2 times 0.2 lambda सॉल्व किया, ये निकाला एस लेमडा, अब एस फोर भी निकाल लिया, दोनों के रेशियो को 2/5 से कंपेयर कर दिया तो लेमडा की वैल्यू मिल गई. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन वन में भी था जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था सी को लेकर, उसमें भी सी का वैल्यू पूछा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था कि वो था उसमें, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर था, कई बार ऐसे होता है. तो अब समझ इक्वल टू दिया 1 1 1 2 b c 4 b² c² एंड डिटरमिनेंट ए बिलोंग टू 2 to 60, मतलब इसकी जो वैल्यू 2 से 16 है. और एक और बात बोलिए 2 b c r in a p, मतलब 2 b c r in a b, यानी 2 b = आप ऐसा बोल सकते हैं 2 + c, या c = 2 b - 2. राइट, c = ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए एपी बोला है तो 2 times of midterm = 1st term + last term. तो c की अगर आपसे वैल्यू बोली जाए तो आप लिखेंगे 2. अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें या b की वैल्यू पूछी जाए तो आप b की जगह बोल सकते हैं 2 + c/2, डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या बोला है. रेंज ऑफ c बोला है, c की वैल्यू पुट करनी है. अब इसमें देखिए 2 0 आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इससे इसको माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें, तो एक तरह से यहां पर मिलेगा आपको b - 2 c - 2 b² - 4 c² - 4. इसका मतलब एक और फैक्टर निकल गया, b - 2 c - 2 भी बाहर आ गया, तो यहां पे मिला 1 1 b + 2 1 c + 2. राइट, तो b - 2 c - 2 और इसको सॉल्व किया तो ये मिलेगा c - b. अब देखिए आपको c की रेंज बतानी, इसका मतलब हम b को c के टर्म में लिख लें तो अपने आप ही रेंज आ जाएगी. तो यहां पर b की वैल्यू रखी 2 + c/2 - 2, इसको डायरेक्ट लिखिएगा स्टेप को एलसीएम लेते हुए, ये c - 2 ही है ऑलरेडी और ये c - 2 + c/2 है. एलसीएम लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 यहां पे मिलेगा c - 2, क्योंकि ये -4 हो जाएगा, ये c - 2 है और ये 2c - 2 है, तो ये भी c - 2 ही मिलेगा. राइट, 2c - yes. अब एक तरह से ये आपको मिल गया 1/4 c - 2 का क्यूब. अब आपसे रेंज जो आप बोलिए c की क्या होगी, एक बात समझिएगा, इसकी मुझे पता है 2 से 16 है, तो मैं c की जो भी वैल्यू रखूं वो 2 से कम नहीं होना चाहिए और 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर जैसे सबसे इजी ऑप्शन मुझे ये, जैसे मान लीजिए मैं रखता हूं 4 और 6, तो 4 यहां पे रखा तो पहले रखेंगे 4, तो 4 - 2 बचा 2, 2 का क्यूब 8, 8/4 मतलब 2, बिल्कुल इसी रेंज में. अब रखो 6 6 - 2 4 4 का क्यूब, तो 1/4 16. दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर. आपको सी की रेंज निकालनी है, आप इसको सॉल्व करने की जगह जो ऑप्शन दिए वो पुट कर लें और जो ऑप्शन 2 से 16 में एग्जैक्ट आ रहा हो वो आंसर आप यहां पे लगा सकते हैं. अब जैसे ये मान लीजिए आप 2 से 4 लगाते, 2 मान लो रखते, तो ये 0 हो जाता, आपको पता है 2 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये इसका एक सबसे सिंपल टेक्निक हो सकता है क्वेश्चन सॉल्यूशन का, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ए बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल होती है, यानी 2b = a + c, ओके, एंड लार्जेस्ट ट्राइंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड. ओके, मान लीजिए ये बात करूं मैं ए बी और सी की, सबसे स्मॉल एंगल थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स है, जो एक्स है ए का, तो ये लार्जेस्ट मान लें तो ये 2x हो गया, तो इसका मिडिल हो गया कितना, π - 3x/2, बिकॉज तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 आ गया. अब आपको गिवन है 2b = a + c, अगर हम चाहें तो साइन फॉर्मूले से ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 sin b = sin a + sin c. अब सभी की वैल्यू डाल दें तो 2 sin π - 3x, अब ये स्टेप बचाना है आपको, sin x + sin 2x. राइट, अब यहां पे sin 3x बनेगा तो sin 3x का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और एक साइन कैंसिल भी कर दीजिए, क्योंकि सबका साइन कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2 times of 1 3 - 4 sin²x. देखिए स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइन एक्स कैंसिल तो 1 + 2 cos x, यानी एक कॉस की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कितना हो जाएगा 2 3 - 4 + 4 cos²x = 1 + 2 cos x, यानी फाइनली आपको ऐसा मिलेगा 8 cos²x - 2 cos x. राइट, ये -1 मिला तो ये -2 हो जाएगा, देखिए ये कितना मिला -1, तो ये -3 = 0.
अब इसके माइनस 24 फैक्टर बना 64, ठीक है, 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 6 कॉस एक्स प्लस ऑफ 4 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 2 कॉस एक्स कॉमन लिया, स्टेप जितनी कम कर सकते हैं करिए, 4 कॉस एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, 4 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉस एक्स की एक वैल्यू हो गई 3/4, कॉस एक्स की एक वैल्यू हो गई -1/2, नेगेटिव होगी नहीं क्योंकि एंगल अगर ये 90 से बड़ा तो इसका डबल पॉसिबल नहीं है। समझिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट एंगल ही नेगेटिव है 90 से ऊपर तो ये 180 के ऊपर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ये रूट कंसिडर नहीं कर सकते हम। अब कॉस एक्स का वैल्यू 3/4 आ गया। अब कॉस एक्स से अब हम सम निकाल सकते, आपसे पूछा है ए बाय बी बाय सी, मतलब साइन ए साइन 2b को हमने लिखा था सीधा साइन 3x और साइन 2x, ये पूछा है आपसे। यहां पर भी x लिख लीजिए, पहले तो ये ऐसा आएगा साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए बाय साइन बी बाय साइन सी, और मैंने अगर ए की जगह x b की जगह 5-3x ये रख दिया। अब देखिए ये क्योंकि रेशियो है, साइन x सबसे कैंसिल तो यहां मिलेगा 1, यहां मिलेगा 3-4 साइन स्क्वायर x, यहां पर मिलेगा 2 कॉस x, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3-4 1- कॉस स्क्वायर x, मतलब 1-9/16 मीन्स 3-4 इंटू 7/16, ये 4 टाइम कैंसिल, 12-7 5/4, तो 1 5/4 बाय 2 into 6/4। अब सभी में बाय 4 है तो इसको 4/4 लिख लो, इसको 5/4 लिख लो, इसको 6/4, तो रेशियो आ गए 4:5:6, 4:5:6। क्लियर है बात, सबसे 2b इक्वल टू a प्लस सी, एक स्मॉलेस्ट एंगल लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल और इसमें डबल का डिफरेंस है, तो हमें बीच वाला मिल गया, वो होगा दोनों एंगल का सम पाई माइनस कर देंगे। अब आपको पता है 2 टाइम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एपी की कंडीशन है, साइन रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो के साइन पी, के साइन ए, के से के कैंसिल, स्टेप बचाई, एंगल को पुट किया, कॉस का वैल्यू निकाला और रेशियो ऑफ साइन निकाले। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, एफ डैश टू इक्वल टू 0, फाइंड लिमिट x 0 1+f(3+x-f)3/2-x-f)2 अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझनी है कि मैंने आपको लिमिट का एक बहुत सिंगल सिंपल फॉर्मूला बताया बेस पावर का, एफ एक्स पावर जी एक्स के लिए डायरेक्टली यूज करा करिए, ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, स्टेप सेव करिए, तो आप यहां पर लिखेंगे ई पावर में सब कुछ, पहले तो क्या लिखेंगे ई पावर पावर इंटू बेस माइनस 1, चाहो तो ये स्टेप बचा लो, सीधा लिखो 1+f(3+x-f)3-1-f(2-x)+f(2) upon 1+f(2-x) - f(2, डायरेक्ट लिख सकते थे, लिमिट हमेशा लिखी जाती है, सब चीजें बचानी है टाइम में, तो e पावर 1/x, देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला f(3+x) - f(3, राइट f(3+x) - f(3, और अगर इसको ऐसा समझिए माइनस ऑफ एफ 1 से 1 कैंसिल 2-x+f(2) upon ये वाला x, और साथ में ये भी बचा है जो जो बचा हुआ वो लिख ले, पर यहां पर क्या होगा देखिए मैं आपको समझाता हूं, जो लिमिट में तरीके बताए थे -f(2), ये 1 आने से क्या फर्क पड़ेगा बता, सबसे पहले अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूं तो ये f(3-f)3 0, f(2 f)2 ये भी 0, ये भी 0, ये 0/0 की फॉर्म, और यहां 0 रख दोगे तो ये मिलेगा f(2-f)2, ये 0 हो गया तो बचा 1, यानी आप यहां पर जाके चाहें तो क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो ये मिलेगा इसका 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा e पावर f डैश 3+x, इसका 0, इसका -1 भी होगा तो प्लस f(2-x) upon x की वैल्यू हो गई 1। अब x के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट कर दूं क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो e पावर f(3+f)2 मिला जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में 0 दिया है, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 1, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये क्लियर है क्वेश्चन, अगर आपने e की पावर फिर से समझ लीजिए fx पावर gx का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया तो 1/x, ये x दो जगह मत लिखना एक जगह लिखो, तो ये 1/x है और ये x है, तो मैंने बस केवल ये करा कि ये पूरे को अगर आप ध्यान दोगे तो ये 0/0 की फॉर्म है, यहां पर जहां पर भी लिमिट से फंक्शन 0/0 नहीं होता वहां लगा सकते हैं, ये 1 बचा है तो इसमें केवल मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो इसका 0 ये बचा, इसका 1 हो गया और ये पहले ही 1 मिला है, राइट।
ये क्लियर रखिएगा, ये पावर बहुत काम, फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स पावर जी एक्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मीन और वेरियंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर वन में भी था, पेपर टू में भी था। पेपर का वैलेंस काफी रखा है, बस के लेवल और लेंथी कुछ कम है कुछ ज्यादा है। अब जैसे बोला द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन सिक्स टेस्ट आर 41, 45, 54, 57, 43 एंड एक्स। इफ द मीन मार्क्स ऑफ दिस टेस्ट आर 48, ठीक है 48 दिया है आपको पूछा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता, आप चाहो तो पहले वेरियंस निकाल लेना फिर उसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये पूछा आपसे, तो एक तरह से ये तो दिया, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा मैं आपको इंट देता हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस 48 का स्क्वायर। अब सुनिए, तब इसी को सम करोगे तो कितना होगा, 41 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 43 प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 48, राइट। अब अगर आप ध्यान दें तो इसको एक साथ ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना, 50 और 50 100, इन इसमें देखें तो 80 120, राइट 120, और ये हो जाएगा कितना 10। तो ये भी एक साथ ऐड हो जाएगा 50 50 41 45 54 54 है ये, तो ये 140 हो जाएगा। तो यानी आपको मिल गया ये 240 प्लस एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 48। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स कितना आ गया 48, यानी मिसिंग जो टर्म है वो 48। बस आपको करना ये कि इसमें सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 41 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर। कैलकुलेशन अगर टाइम बचे तो ही करिएगा, 57 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर बाय 6 माइनस 48 का होल स्क्वायर, और ये निकालने के बाद इसका आपको रूट लेना होगा, राइट नोट डाउन।